गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज 4 जुलाई एंड वी स्टार्टेड द नाउ लेसन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट साइंस सब्जेक्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हमारा पहला लेसन है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि वेयर डज इट कम फ्रॉम। यदि हम देखें कि जो पहले पार्ट में जो पहले चैप्टर में ही हमने फूड्स जो हमें लिखा हुआ है यानी भोजन, वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन कहाँ से मिलता है, तो आप सभी को पता है कि भोजन कहाँ से मिलता है। देर आर टू सोर्सेस, सोर्सेस SOURCES, सोर्सेस वेयर डज इट कम फ्रॉम, विच सोर्सेस इट वी आर फाउंड द फूड्स। कौन कौन से प्रकार हैं जिनसे हम फूड को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो विच काइंड ऑफ सोर्सेस। फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड, यहाँ हम कह सकते हैं प्लांट और नेक्स्ट कह सकते हैं एनिमल। क्या कह सकते हैं, एनिमल। देर आर मैनी सोर्सेस ऑफ फूड कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पता है कि हम जो फूड लेते हैं, जो हमारा भोजन आता है, कहाँ कहाँ से आता है, प्लांट्स से और एनिमल्स से आता है। अब प्लांट्स से हम कैसे फूड को प्राप्त करते हैं, कैसे हमारा भोजन प्लांट्स से आता है, तो ऑल स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, प्लांट्स से हरे पत्ते, सब्जियां, वेजिटेबल्स, लीव्स इट कम फ्रॉम लाइक एज प्लांट्स। प्लांट सोर्सेस लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव, ग्रीन लीव, एंड आर मैनी सोर्सेज ऑफ गिफ्ट आर प्लांट्स, जैसे क्रॉप्स राइस आर आई राइस एंड गेहूं यानी वीट वीट एंड चना, दाल यानी पल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि प्लांट्स से हमें भोजन मिलता है और किस किस स्रोतों से मिलता है, वेजिटेबल्स से, वेजिटेबल्स से, ग्रीन लीव्स, राइसेस, बीट, चना एंड पल्स। यानी कि ये सारे जो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं वो सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। नेक्स्ट एनिमल्स, लाइक दैट एनिमल्स से हमें कौन कौन से स्रोत मिलते हैं, जैसे एग, एग एंड मीट, फिश, मिल्क, दीज आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड जैसे बटर एंड घी, दूध, मक्खन आदि, या हम कहें इट्स कॉल्ड मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट। यानी डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब इसमें आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो एनिमल्स से हमें कौन कौन से स्रोतों से फूड्स मिलते हैं, एग, मीट, फिश एंड मिल्क आर मैनी काइंड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाउंड ऑफ एनिमल सोर्सेज।
So let's now and we are begin to start the next activity first, varieties of food. So children, we are know where does it come from, food. भोजन कहाँ से प्राप्त होता है ये हमने जाना भाई। भोजन हमारे दो स्रोतों से प्राप्त होता है, प्लांट से, एनिमल से प्राप्त होता है। और एनिमल से और प्लांट से आप देख रहे होंगे कि मैंने इन सारे बहुत से सोर्सेस ऐसे लिख रखे हैं जिनसे हमें फूड्स प्राप्त होते हैं। अब वेराइटीज ऑफ फूड नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट। सो चलो आई होप यू आर अंडरस्टैंड sources of foods. चलिए बच्चों अब हम देखते हैं activities first. activities first is variety of food. So भाई हम यहाँ पे कहेंगे वैरायटी ऑफ फूड यानी कि खाद्यान्न विविधता। हम या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं बच्चे नहीं समझ पाएंगे, खाद्य विविधता हम इसे समझेंगे वैरायटी ऑफ फूड यानी खाद्य विविधता। सो चिल्ड्रन वी आई आस्क सम क्वेश्चन एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीबॉडी एंड if you ask your friends some question like what are you eating today, first question I ask you what are you eating today. So children, फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर यू इटिंग टूडे। खाद्य विविधता में अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आज आपने क्या खाया तो आप सीधे सीधे यही कहोगे मैंने सुबह सब्जी रोटी या सब्जी दाल चावल या आपने जो भी खाया हो वो बताओगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई आस्क वैरायटी ऑफ फूड में मैं आपसे सम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आप डिड यू ईट सेम सेम फूड यस्टरडे। डिड यू ईट सेम फूड यस्टरडे। तो यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या तुमने कल भी यही खाया था तो कई सारे बच्चों का क्वेश्चन आंसर आएगा नहीं हमने कल ये नहीं खाया था। कई बच्चे कहेंगे कि हमने भाई कल दाल चावल खाया था या दाल रोटी खाई थी। कई बच्चे कहेंगे मैंने मीट खाया था या कई बच्चे कहेंगे मैंने फिश खाया था यानी कुछ भी या अलग अलग वेजिटेबल्स आप बताएंगे। तो बच्चों यही है वेराइटीज ऑफ फूड यानी कि हम सेम जैसे हमने कल जो भोजन खाया आज हम वो भोजन डिफरेंटली हो सकता है हम आज नहीं खाएं तो इट्स कॉल्ड वैरायटी ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिड यू फील डू यू फील नेक्स्ट क्वेश्चन हर क्वेश्चन डू यूर फ्रेंड ईट सेम फूड टुडे। क्या आपके दोस्त ने भी यही भोजन खाया था सेम। तो एनीबॉडी कॉल्ड एंड एवरी फ्रेंड्स आर कॉल्ड नॉट। आंसर क्या रहेगा इसका नॉट। भाई सभी लोगों के घर पे अलग अलग खाद्यान्न बनता है, सभी लोगों के घर में अलग अलग भोजन बनता है। तो हम कह सकते हैं भाई आज हमने ये भोजन नहीं खाया था। इट्स कॉल्ड अ वैरायटी ऑफ फूड यानी कि जो हम भोजन या जो हम खाद्यान्न लेते हैं वो सब क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के हमारे घरों में व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट कल हम बात करेंगे बेटा
अवेलेबल एंड टेम्परेचर एंड लिविंग कंडीशन पर, यानी कि जो फूड्स आर कम फ्रॉम, हम इसकी बात करेंगे कि भाई जो भोजन होता है वो कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में ये भोजन क्यों होता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सो द चिल्ड्रन आर यू आई एम, मैंने आपको जो भी बताया आज वो आप अच्छे तरीके से समझे होंगे, यदि नहीं समझना होंगे मैं कल दोबारा से इसी चीज़ को रिपीट कर दूँगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटीज़ आर रीड टू नॉलेज। थैंक यू।